जेबी पटनायक आजकल बीजू पटनायक के खिलाफ बदले की भावना से काम करने और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण विवादों में घिरे हैं। उनके विरोधियों का तो यह भी कहना है कि 10 साल से भी अधिक की अपनी चीफ मिनिस्टरशिप में उन्होंने उड़ीसा का कुछ भी विकास नहीं किया, उल्टे इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रांसफर के नाम पर उनकी सरकार भ्रष्टाचार फैला रही है। लेकिन जेबी पटनायक का कहना है कि उड़ीसा का सबसे ज्यादा नुकसान बीजू पटनायक की भ्रष्ट सरकार ने किया था। पांच साल की जो बीजू बाबू की गवर्नमेंट था उसमें जो करप्शन की नई फॉर्मूले सब बीजू बाबू ने दिखाया और जेबी पटनायक गवर्नमेंट ने उनकी मंत्रियों ने उस फॉर्मूले को बिल्कुल अच्छी तरह से आजमा रहे हैं और बड़ा फायदा कर रहे हैं। उन लोग का एक इंडस्ट्री वो बोलता है काफ़ी इंडस्ट्री उड़ीसा में करेंगे लेकिन एक इंडस्ट्री उन लोग का है बदली करना, बदली बंद करना, रुपया लेना, ब्राइब लेना। इतना ऑफिसर हमारा उड़ीसा का इतिहास में कभी बदल नहीं हुआ था इस गवर्नमेंट में जितना हुआ है। हर मंत्री, हर पॉलिटिकल पर्सनालिटी अपना स्वार्थ किस तरह से पैसा कमाए, छोटे छोटे चीज़ से लेकर बड़े बड़े चीज़ में पैसा कमाना एक बात का काम हो गया है। बदली सवेरे होता है, शाम को कैंसिल होता है, फिर सवेरे दोबारा होता है और हर एक्शन में पैसा कमाया जाता है। Yes. All his ministers are collecting money, openly collecting money. Everybody knows this whole drama in the whole state. He is not for the cause and for the development of the state. वो जब 10 साल चीफ मिनिस्टर रहा उड़ीसा में, उड़ीसा has gone behind. उड़ीसा was lagging behind. जो पॉवर्टी लाइन का नीचे जितना आदमी था उड़ीसा में हमारा, वो 10 साल में वो बढ़ गया है। सारा हिंदुस्तान में अभी सबसे गरीब प्रदेश होता है उड़ीसा। आप अगर उड़ीसा में किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछेंगे, बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछेंगे, तो वो आपको यही बताएंगे कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन श्री पटनायक के, ये भी पटनायक के मुख्यमंत्री रहते हुए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वो पिछले 5 साल में उसमें सेटबैक ही हुआ है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। ये जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए बहुत कोशिशें करना पड़ेगी, ये ऐसा ही जल्दबाजी से नहीं होगा। 10 साल हम बहुत कुछ किया, हमने जो कुछ किया है ये स्टैटिस्टिक्स है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स में आपको मिलेगा। 5 साल के बाद आफ्टर द 7th 5-year प्लान द अचीवमेंट ऑफ द स्टेट वी हैड 6.6% ग्रोथ। Which state had 6.6% growth? कागजों पे तो ग्रोथ नजर आती है लेकिन जमीन पे तो नहीं। जमीन पे नहीं है तो कैसे आएगा? How could statistics come? बीजू पटनायक के भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने कांग्रेस में आवाज उठाई थी और हाईकमान ने उसमें आपको सपोर्ट दिया और आप लीडर बन के इमर्ज किए, लेकिन आपकी जो पिछली रिजीम थी उसमें भी तो भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे थे। क्या हुआ नतीजा? आपने तो देखा, उन्होंने एक केस हमारे खिलाफ में किया था और ये जो केस किया था हाई कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया। बीजू पटनायक ने आपके ऊपर रेड कराई थी, आपने बीजू पटनायक के ऊपर रेड क्यों नहीं कराई? ये जो करता है क्या हम करेंगे? तो जो ऐसा ही काम करता है उसका खिलाफ में यही काम करना तो ये राजनीतिक प्रतिशोध है, हम ऐसा नहीं करेंगे। बीजू पटनायक पे तो आपने रेड नहीं की लेकिन उनके 3 मिनिस्टर्स पे तो आपने रेड कराई जो उनके जमाने में मिनिस्टर थे। हाँ, उनका रेड हुआ। तो फिर विंडिक्टिवनेस तो ये भी हुई? नहीं, विंडिक्टिवनेस नहीं है क्योंकि किसी जगह में रेड करना पड़ता है जहाँ डिस्प्रोपोर्शनेट इनकम का प्रमाण मिलता है। क्या उनके यहाँ से बरामद हुआ? कुछ आपात प्रमाण है तो इसलिए रेड किया गया और कुछ मिला, उसके आधार पर वो सब कर रहे हैं, केस बना रहे हैं। अरेस्ट हो सकती उनकी? हाँ, मुकदमा होगा तो अरेस्ट होगा, चार्जशीट बनेगा। आपको नहीं लगता कि इससे बीजू पटनायक को पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा? बिल्कुल नहीं, कैसे माइलेज मिलेगा? करप्शन में माइलेज मिलता है? करप्शन में जो अभियुक्त होता है उसको क्या माइलेज मिलेगा? पिछली बार जब आप चीफ मिनिस्टर थे आपके ऊपर आरोप यही लगे थे कि आप अपने दामाद को बढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई हमने नहीं किया है, हमारा दामाद है, ये क्या दोष है? वो न्यूज़पेपर नहीं कर सकता, कोई बिजनेस नहीं कर सकता।
आपने उनको प्रमोट किया, उनका अखबार लगाया, जब वो कुछ बन गए तो बीजेपी में चले गए? बीजेपी में चले गए, अपना है ये कि हमारा कर्तृत्व में है, जब दमादा बनता है क्या कर्तृत्व में आ जाता है। अभी जब आपने 2% सेल टैक्स लागू किया था तो उनके अखबार ने बड़ा इसका विरोध किया और आपको वापस लेना पड़ा, तो बीजू पटनायक ने उनको डिनर दिया आपके दामाद को और उनको धन्यवाद दिया, आपको कैसा लगा ये? कुछ नहीं लगा, वो डिनर पॉलिटिक्स करता है, ये इस पार्टी में है, ये भी एक विरोधी पार्टी है, बीजेपी उड़ीसा में एक विरोधी पार्टी है, जनता दल भी विरोधी पार्टी है। आपने समझाया नहीं उसको कि भाई तुम हमारे साथ रहे, पिछली बार आपकी कुछ बदनामी भी उसकी वजह से हुई थी, अब वो बीजेपी में चला गया? नहीं, उनका तो अपना डिसीजन है, ही इज क्वाइट कॉम्पिटेंट टू टेक हिज ओन डिसीजन, उसमें हम क्या करेंगे।